ये नए साल की शाम थी। टूना अपने घोंसले में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक उसके घोंसले के बाहर किसी ने नॉक किया। टूना, मेरे साथ बाहर आओ, चलो उठ भी जाओ। पर अभी तक तो दिन भी नहीं हुआ और जरा देखो बाहर कितनी ठंड है। ओ, अभी सुबह होने ही वाली है और हमें बहुत सारा काम भी तो करना है। कैसा काम? और तुम कौन हो और इस वक्त मुझसे क्या काम कराना चाहते हो? टूना, मैं नया साल हूँ और मैं इस नए साल पर सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, पर मैं बहुत छोटा हूँ और मैं वो बग्गी नहीं खींच सकता। क्या तुम आकर मेरी मदद नहीं करोगे? अरे यार, मैं अपने बिस्तर में आराम से गर्म हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। क्या हमें इस वक्त बाहर जाना होगा? क्या हम इंतजार नहीं कर सकते जब तक ठीक से सुबह ना हो जाए? टूना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ आई तो तुम्हें इतनी खुशी होगी कि पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। प्लीज मेरे साथ आओ। टूना जल्दी से तैयार हो गई और अपने घोंसले से बाहर आ गई, जहाँ नन्ना नया साल उसका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, तुम्हारी बग्गी तो बहुत ही सुंदर है। और इस पर क्या लिखा है? प्रेम और दया। ये काफी अच्छा है। तुम बस मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें और भी अच्छा महसूस होगा। क्या तुम बग्गी खींचने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर नए साल ने बग्गी की एक रस्सी खुद पकड़ी और दूसरी टूना को पकड़ाई, जिससे बग्गी को खींचने में मदद मिली और वो मिलकर चले सड़क पर बर्फ से गुजरते हुए और पहुंचे सोनू कबूतर के घर के बाहर। अरे ये तो सोनू कबूतर का घर है, जो कि हमारे बाग में ही काम करता है। उसका कोई बच्चा नहीं है, उसका कोई परिवार भी नहीं है। हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? यही तो वजह है हम यहाँ जा रहे हैं। ये नया साल है, लोगों को अच्छा महसूस करवाना चाहिए। किसी को भी नए साल की शाम अकेले और तन्हा बिताने का अधिकार नहीं है। ये तो सही कहा तुमने। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? उसके घर के आसपास बहुत ज्यादा बर्फ है, हम वहाँ चलकर नहीं जा सकते। इसे हटा दो, मैं कुछ गिफ्ट उतारूंगा बग्गी से, जो कि मैं सोनू के लिए लाया हूँ। चलो देखते हैं उसके लिए क्या है मेरे पास। शायद एक नया कोट और एक मफलर, एक गर्मा गर्म नए साल का डिनर, भरपूर नाश्ता, जूतों की नई जोड़ी। हाँ, ये अच्छे रहेंगे ना? वैसे मेरे पापा ने भी अभी उसे अपना पुराना कोट दिया है। क्या किसी को नए साल में नया कोट ज्यादा पसंद नहीं आएगा? सही कहा तुमने। टूना ने सोनू के घर के बाहर से सारी बर्फ हटाई, नए साल ने अपनी बग्गी से सारे गिफ्ट उतारे और सोनू के घर ले गया। क्या हम घंटी बजाने वाले हैं? ओह नहीं, उसे डिस्टर्ब क्यों करें? हम ये गिफ्ट्स उसके रूम में छोड़ देंगे। नया साल खिड़की से अंदर आया और सारे गिफ्ट सोनू के बेड की साइड पर रखी टेबल पर रख दिए। नए साल को ऐसा करते देख टूना को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जो इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। इसके बाद नया साल बड़ा भूरी कौवी के घर। ये तो भूरी कौवी का घर है, जो टेलर है। मेरी मम्मी के कपड़े भी यही सिलती है। हम उसे क्या देने वाले हैं? भूरी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स नए साल के दिन उसे शायद खुश कर दे। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक बार फिर नया साल भूरी के घर की खिड़की से अंदर घुसा और भूरी के बेड के पास बहुत सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स रख दी। टूना और नया साल पूरे जंगल में घूमे और कई किस्म के लोगों के लिए उपहार देते गए। इसी तरह नए साल को ये अच्छे से पता था कि किसको कौन से गिफ्ट्स देने हैं। उसकी ज़रूरत के मुताबिक नए साल ने कितने ही गिफ्ट्स बांटे हो, मगर उसकी बग्गी कभी खाली नहीं होती थी। तुम्हारी बग्गी कैसे हमेशा भरी रहती है, चाहे तुम कितने भी गिफ्ट्स बाहर निकाल लो। प्रेम और दया कभी घटता नहीं, चाहे तुम उनमें से कितना भी निकाल लो। जितना ज्यादा दया और प्रेम तुम देते हो, उतना ही वो बढ़ते हैं और तुम्हें और भी ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो बच्चों, क्या आप सोते ही रहोगे अभी तक?
उठकर नए साल का वेलकम नहीं करोगे? सोचो मत, उठाओ अपने प्रेम और दया की बग्घी और निकल। सूरज की किरणें अभी किसी सुंदर वन में आई भी नहीं थी कि चारों ओर जश्न का माहौल सा छा गया। सबसे पहले तो कलियां खिलखिलाकर उठी। कौवे ने घोंसले से सिर निकाल कर देखा, टूना सवेरे सवेरे उड़ती हुई कहीं जा रही थी। कौवे ने आवाज लगाई, अरे टूना बहन, सारे लोग नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो? नए वर्ष की शुभकामनाएं तो लेती जाओ। आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भैया, मैं भी नए वर्ष का ही स्वागत करने जा रही हूँ। रास्ते में कबूतरों का झुंड नए वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा था। सभी कबूतर मधुर संगीत पर कमर मटका मटका कर नाच रहे थे। टूना को तेजी से उड़ते हुए देख वो बोल पड़े, अरे टूना बहन, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ नए वर्ष का जश्न मनाओ। नहीं नहीं, आप लोगों के साथ मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं भी नए वर्ष की शुरुआत ही करने जा रही हूँ। टूना आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर मछलियाँ नदी में नए वर्ष की खुशी में उछल कूद कर रही थी। टूना को देखकर एक मछली बोली, अरे टूना बहन, क्या आज भी दाना चुगने की चिंता में उड़ी जा रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं आज नया वर्ष है? अरे मछली बहन, याद है, मुझे सब याद है, मैं भी नए वर्ष की खुशी मनाने दूसरी जगह जा रही हूँ। ऐसा कहकर टूना आगे बढ़ती है। आगे शेर की गुफा के पास ढेर सारे जानवर नए वर्ष की धूमधाम से शुरुआत कर रहे थे। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ भी बन रही थी, नाचने गाने का इंतजाम भी था। बाजे गाजे के साथ सभी झूम रहे थे और जश्न मना रहे थे। टूना को देखकर शेर ने आवाज लगाई, अरियो टूना, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? आओ यहाँ, हम सब नए वर्ष की शुरुआत अच्छे से करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तुम भी आओ। माफ कीजिए, मैं अपने नए वर्ष की शुरुआत किसी और चीज से करना चाहती हूँ। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। टूना को उड़ते देख एक बंदर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टूना इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है। उसने जंगल के बाकी जानवरों से कहा, क्यों ना हम चलकर देख लें टूना आखिर क्या कर रही है और इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है। बंदर ने राय दी और सब टूना के रास्ते चल पड़े। टूना को देखकर शेर बोला, अरे ये क्या, ये टूना तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। इस नन्ही सी चिड़िया की सोच तो देखो कितनी अच्छी है। सामने ढेर सारी चींटियों के झुंड को संबोधित कर रही थी। बहनों, तुम में से कई चींटियां गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती और स्कूल जाना बंद कर देती है। इस नए वर्ष पर मैंने संकल्प लिया है कि कुछ गरीब चींटियों की पढ़ाई के लिए मदद करूंगी, साथ ही अन्य चिड़ियों और जानवरों को भी प्रेरित करूंगी कि वे भी तुम्हारी आर्थिक मदद करें। टूना की बात सुनकर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई चींटियों की आंखों में खुशी के आंसू भी टपकने लगे। जंगल के बाकी जानवर भी टूना के पीछे खड़े सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें देखकर टूना ने कहा, मैं कुछ गरीब चींटियों का भविष्य संवार कर नए साल की शुरुआत करना चाहती थी, सो मैंने सवेरे से पहले यही काम किया। मैंने सोचा कि नए साल की इससे अच्छी शुरुआत भला क्या हो सकती है। तो देखा बच्चों आपने, नन्ही सी चिड़िया और सोच कितनी बड़ी। कुछ सीखना चाहिए, कुछ क्या, हमें भी हंसने गाने, बाजा बजाने, पकवान मिठाई खाने से पहले किसी असहाय लाचार गरीब की मदद करने का काम जरूर करना चाहिए। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, चलो आओ सबके सब किसी मजबूर का भविष्य संवारने के लिए जुट जाएं। इसी तरह हमारी भी नए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। क्या कभी आप भी नए साल में किसी गरीब या लाचार की मदद करके उसकी ज़िंदगी में बदलाव ला पाए? अगर हाँ तो हमें अपनी स्टोरी ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि वो स्टोरी हम अपनी अगली स्टोरी में अपने सब्सक्राइबर से ज़रूर शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी स्टोरी भेजने के लिए हमें tunatoon5@gmail.com पर मेल करें।